दोस्तों मैं हूं दीपेश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के 2018 से 21 सेशन के ग्रेजुएशन के पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म के भरने के संदर्भ में। जी हां दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप टू स्टेप कि आपके पार्ट 3 का जो एग्जाम फॉर्म है अपना आप कैसे खुद से भर सकते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल से हो कि लैपटॉप से हो कि कंप्यूटर से हो, कैसे भी इस चीज़ों को भरना है तो वो कैसे भरना है, किन किन वेबसाइट से आपको जाना पड़ता है, किस किस लिंक को आपको खोलना पड़ता है, किस किस जगहों पर क्या एंट्री करना होता है, कैसे इसका पेमेंट करते हैं, कैसे इसका प्रिंट निकालते हैं, A to Z आपको कंप्लीट नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जो ये आप होम पेज देख पा रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, इसको खोलने के लिए आपको purniayunivercity.ac.in या दोस्तों अपने URL में, चाहे मोबाइल के गूगल क्रोम या यूसी ब्राउजर या मोज़िला फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन या कंप्यूटर में, वहाँ पे जाएंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको purniayunivercity.ac.in आपको टाइप करके एंटर करना है। जैसे आप इंटर करते तो आपको इस तरह का पेज आपको दिख जाता है जहाँ पर कि आपको जाना है। यहाँ पर देखिए, इस साइड में आपको देखिएगा, लेफ्ट साइड में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का एक टैब दिखेगा, सबसे ऊपर है एडमिशन, जो कि अभी एडमिशन चल रहा है लेकिन उसको देखना नहीं आपको। सेकंड वन आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का एक टैब है, एग्जामिनेशन जो ये फॉर्म है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे है कि वहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आपका एक इस पेज को आपको दूसरे पेज पर फॉरवर्ड कर दी जाती है, आपको इस तरह का पेज आपको मिल जाता है जहाँ कि आपको जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का लॉगिन पेज है वहाँ आपको वह सब चीज़ आपको मिल जाता है। आपको और भी चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको लॉगिन यहां पे करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर से, और यहां पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम और ये कैप्चा आपको यहां पर फिल करना होगा। आपको कंप्लीट हम धीरे से बताने वाले हैं, आपको बिल्कुल ध्यान देने वाले। देखिए सबसे पहले जो कि आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन या अपना एडमिट कार्ड जो आप पार्ट 2 का या पार्ट 1 का किसी का भी लीजिए, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बिल्कुल आपको मिलने वाला है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो शुरू में 4 अंक होता है, उसके बाद आप हाइफन दीजिए, डैश दीजिए, उसके बाद 5 डिजिट है वो आप डालिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट इज जैसे कि आपका लिखा हुआ आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड में या आपका एडमिट कार्ड जैसे लिखा हुआ सेम टू सेम आपको उसमें लिख देना है। उसके बाद ये जगह जो होता है ये आपका रोल नंबर का होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के लिए रोल नंबर सेम रहने वाला है, तो वही जो रोल नंबर है उस चीज़ों का आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, जो भी आपका 4 अंक 5 अंक 6 अंक जो का भी आपका रोल नंबर आपका है वो एंट्री करेंगे। आप क्लास का रोल नंबर, अपने आई कार्ड का रोल नंबर यूज़ नहीं करना है आपको, एडमिट कार्ड जिसको लेकर के आप एग्जाम देने जाते हैं एडमिट कार्ड का रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है कि इंस्टीट्यूट का आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो आपका कॉलेज है वो आपको चुनना है, वो कहाँ से आप चुनेंगे तो यहाँ देखिए ये जो बटन है, ये वाला बटन यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कि आपका सारा लिस्ट चले आता है, जो भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के तहत जो भी कॉलेजेस है सबका लिस्ट आता है, उसमें से आप अपना लिस्ट को जो भी आपका कॉलेज है इसके लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं कि उसको आप चुन लीजिए। चुनने के बाद ये जो कैप्चा है यहाँ पे आप फिल करेंगे, यहाँ पर 7BYWN लिखा हुआ है, छोटी अक्षर में है छोटी अक्षर में डालना, बड़ी अक्षर में तो बड़ी अक्षर में आपको डालना है, आपके अपने स्क्रीन पर जो आ रहा है उस चीज़ों को आप यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आपको लॉगिन वाला पेज, ये जो लॉगिन वाला टैब है इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो है प्रोफाइल आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ दिखता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका नाम दिख जाता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे हम उसको सिक्योरिटी के पर्पज से उसको हम हाइड कर दिए थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा। साथ में आपको डैशबोर्ड के रूप में आपको इस तरह का कुछ कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिखने वाला है। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड आपको दिखेगा जिसमें कि आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, बैक रजिस्ट्रेशन है, इंस्ट्रक्शन है और डाउनलोड एडमिट कार्ड है। यहाँ से ही अपना आप जो पार्ट 1 आप पार्ट 2 का एडमिट कार्ड निकाले थे यहीं से आप किए थे, लेकिन अभी हम लोग को उसको देखना नहीं है। आपको सीधे जाना कहाँ है तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन पे, यदि आप रेगुलर वाला फॉर्म भर रहे तो रेगुलर पे, यदि आप प्रमोटेड वाला फॉर्म भर रहे तो आपको बैक पे जाना है। यदि आप पार्ट 3 पिछला साल ही दिए थे लेकिन फेल कर गए थे किसी कारणवश, दोबारा आप भरना चाह रहे हैं तो आपको बैक वाला पे जाना है, इस पे जाना है। नहीं, यदि ऐसा कुछ नहीं है माजरा, आप रेगुलर हैं तो आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक कर देना है। यदि आप रेगुलर हैं तो आपको रेगुलर वाले पे क्लिक करना है, नहीं यदि आप बैक वाले हैं, आप फेल वाले बच्चे हैं तो आपको ये बैक पे क्लिक कर देना है। तत्काल अभी हम रेगुलर के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग रेगुलर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे रेगुलर पे आप क्लिक कर लेते हैं, आपको एक अलग टाइप का आपको पेज खुल जाता है, इस तरह का आपको पेज खुल के आपको मिलने वाला है, जिस पेज में आपको बहुत सारा डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका सिलेबस, सेशन और डिसिप्लिन, बैच और कोर्स और ईयर,
वैसे तो इन सभी तमाम के लिए आपको इस जगहों पर क्लिक करना होता है, ये वाला ड्रॉप डाउन जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो, सब पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही इन सब पे आप क्लिक करते हैं, आपको सिंगल सिंगल एक ही एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है, इसमें दो तीन ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलने वाला, जो कि कन्फ्यूजन होगा कि भैया इसमें क्या यूज़ करें, क्या हम चुने, सब में सिंगल सिंगल ऑप्शन है, सबको आपको चुन करके टेम्पलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए आपको हम दिखा देते हैं इस तरह कर करके। देखिए एक स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी फिल कर चुका है, इसमें सिर्फ यही ऑप्शन था 2020-21 आपका सेशन, अकाउंट्स इसका ऑनर से बच्चा का, तो अकाउंट्स यहाँ पे लिखा हुआ, जिसका जो ऑनर्स होगा वो इसमें दिखेगा, आप जिसका अकाउंट ऑनर से अकाउंट दिख रहा है, यदि किसी का हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये जूलॉजी, बॉटनी, जो भी पेपर से जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पर उसका दिखेगा, उसका सेशन 18-21 बीकॉम है, क्योंकि अकाउंट्स तो बीकॉम में आता है। थर्ड ईयर यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड ईयर का भी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड आपको है। इन सब तमाम चीज़ों को चुनने के बाद आपको टेम्पलेट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं आपका जो पेज है, आपका फॉर्म खुल जाता है। आपका फॉर्म यदि खुलता है तो फॉर्म इस तरह खुलता है, इस तरह के फॉर्म में आपको कुछ कुछ जो चीजें जानकारी वाली है उस चीजों को आप लोगों को भरनी होती है। वैसे तो इस पेज में बहुत कुछ भरा ही रहता है, लेकिन आपको मेन मेन चीज़ जो भरने वाली बात है वो इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि अभी देखिए ये वाला फी है जो कि 1400 रुपये का फी दिख रहा है, ये अकाउंट्स का है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो 1400 रुपये दिख रहा है। यदि बहुत सारा सब्जेक्ट में क्या होता है प्रैक्टिकल होता तो उसमें आपको जो है वहाँ पे 1600 का पेमेंट आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आप अपना NATM या किसी भी तरीका से यदि आप पेमेंट करते हैं उसके लिए अलग से चार्ज उसको आप करते हैं, वो अलग सी बात है। लेकिन यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 1600 का पेमेंट लगता है, जिस भी सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस पेपर में जाएंगे तो आपको 1600 का पेमेंट लग जाएगा। जैसे कि सपोज दैट ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सब में क्या होता है कि प्रैक्टिकल होता है, तो उन सब के लिए यहाँ पे आपको 1600 का पेमेंट रहने वाला है, ना कि 1400 का। अकाउंट्स ऑनर्स के लिए ये बच्चा है तो उसको 1400 का यहाँ पेमेंट लग रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कम और ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप लेट फाइन में भरेंगे तो यहाँ पर लेट फाइन भी एंट्री होगा और दोनों को प्लस करके यहाँ पे आपको टोटल दिखाई पड़ेगा, लेकिन अभी फाइन नहीं चल रहा है तो आपको सीधे ये वाला आपको यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है। तो ये तो अमाउंट की बात है, उसको हम लोग को कुछ करना नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये बच्चा फॉर्मेशन कॉलेज का है तो यहाँ पर कॉलेज ऑलरेडी आपको चुना हुआ मिलेगा, यहाँ आपका रोल नंबर ऑलरेडी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ईयर आपको पहले से ही लिखा मिलेगा, यहाँ आपका एग्जामिनेशन का रोल नंबर पहले से ही लिखा मिलेगा, यहाँ पर आपको चुनना है, यहाँ पर फोटो आपको अभी स्कैन करके यूज़ करना है, चूज फाइल पर क्लिक करिएगा, आपका ड्राइव खुलेगा, जो पहले से स्कैन करके आप फोटो रख लेना है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले फोटो और साइन दोनों स्कैन करके रख लेना है, वही फोटो आपको इसमें अपलोड करना है। साथ ही यहां पर देखिए चूज सिग्नेचर है तो यहां भी चूज फाइल करके आपको साइन को जो है यहां पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका यहां पर नाम दिखेगा, नाम आप चेक कर लिए सही सही है कि नहीं, वैसे भी इसको आप चेंज कर सकते नहीं है। सेशन आपका यहां पे दिख जाएगा और यहां पे आपका मोबाइल नंबर एंट्री अभी करना है, यहां पे आपको अभी मोबाइल नंबर एंट्री करना है, यहां पे आपको बिल्कुल खाली मिलेगा, इस चीजों को अभी एंट्री कर लेना है। जैसे ही मोबाइल नंबर आप यहां पे एंट्री करते आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ भी लिखना होता है, इसको ऑलरेडी भर चुके ताकि आपको वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम इसको ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। यहां पर डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, यहां पर आपका पापा का नाम यदि भरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको मैनुअली यहां पर डालना होता है। बहुत सारे फॉर्म में नहीं लिखा रहता, बहुत सारे फॉर्म में लिखा हुआ भी ऑलरेडी रहता ही है, जनरली फॉर्म में लिखा ही रहता है, वहां पर आपको सिर्फ वेरीफाई कर लेना है, यदि गलत है तो सही कर लीजिए, नहीं तो एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां पर आपको माँ का नाम यदि लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो मैनुअली आप एंट्री कर लीजिए। उसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे कि आप नेशनलिटी में आप इंडियन है तो इंडियन चुनिए, यहाँ पर मेल है तो मेल चुनिए, कैटेगरी अपना SC चुन लीजिए। इसके अलावा रिलीजन वगैरह है, यहाँ पर मीडियम में, यहाँ पर देखिए लास्ट वन आपको हिंदी, अंग्रेजी, क्या मीडियम चुनना है तो यहाँ पर लास्ट वन आपको जो है मीडियम चुन लीजिए। यदि आपको हिंदी मीडियम पढ़ाई करना है तो लास्ट में यहाँ पर आप हिंदी चुनिए, नहीं तो इंग्लिश मीडियम यदि आपको पढ़ाई करना है तो यहाँ पर आप इंग्लिश चुन सकते हैं। कंप्लीट इस पेज को यदि भरने के बाद आपको जो आगे नीचे आप जाएंगे तो नीचे में आपको और चीज़ भरना है, जैसे कि नीचे के लिए ये चीज़ है, नीचे में देखिए आपको जो आने वाली बात है सब्जेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको लिखा मिलता है, आपको चुनना नहीं पड़ता, चेंज करना नहीं है, अपने आप आपको ये सब जो भी सब्जेक्ट्स है 5 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सब चीज़ चुना हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी आपको नहीं करना है। सबसे नीचे आपको जो करनी है वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें करनी है, एग्जाम्पल के लिए आपको लिखना है प्रीवियस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने देखिए, प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल्स, यानी कि अभी लास्ट टाइम जो आप एग्जाम पास किए हैं उसका डिटेल्स आप भरिए यहाँ पे। तो सबसे लास्ट टाइम आप एग्जाम कौन सा पास किए भैया मेरे, आप
बीकॉम, जैसे ये बच्चा है तो बीकॉम पार्ट टू लिखा है इन्होंने, यदि आप बीएससी पार्ट टू किए हैं, कोई बीए पार्ट टू किया है, कोई पार्ट वन किया है, तो आप लास्ट टाइम जो किए से सपोज जब आप बीए के बच्चे हैं तो बीए पार्ट टू लिखेंगे आप, यदि बीकॉम के बच्चा ये है तो ये बीकॉम पार्ट टू लिखा है इन्होंने। उसके बाद ईयर आपको यहाँ लिखना है, कब आप पास किए हैं भैया आप, तो 2020 में यदि पास किए तो 20 लिखिए, 21 में किए तो 21 लिखिए, 19 में किए तो 19 लिखिए। आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखना है आपको, जो आपका रोल नंबर है इस पेज पर भी आपको दिख रहा है रोल नंबर, वही लिखना है। यहाँ पर आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में मार्क्स डालना है आपको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रिजल्ट में मार्क्स, तो आपका जो मार्क्स कितना आया है पार्ट टू में, जिस एग्जाम का आप यहाँ पे यहाँ पार्ट टू लिख रहे हैं तो इसी का डालना है आपको मार्क्स, पार्ट वन लिख रहे हैं तो इसी का आपको यहाँ पर मार्क्स डालना है। जैसे मार्क्स डालते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में ये एक ऑप्शन है, इसको आप समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है उन्होंने कि आप रीवेल्यूएशन कराए, रीचेकिंग भी करवाए हैं। बहुत सारा बंदा होता है कि जो रिजल्ट आता है फर्स्ट टाइम उसको स्वीकार नहीं है, उसको कम लग रहा है, तो उसके लिए कॉपी को रीचेक करवाता है। यदि आप रीचेक करवाएं तो यहाँ पर यस चुन लेंगे, नहीं करवाए कुछ नहीं करवाए हैं, सिंगल रिजल्ट है तो आपको यहां पर नो रहने देना है। इन सब तमाम चीजों को करने के बाद आपको यहां पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं आपका जो ये पेज है आपको पेमेंट के ऊपर ले जाएगा। पेमेंट आप चाहे तो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई वगैरह कुछ भी से कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि नेट बैंकिंग वगैरह से करते हैं तो थोड़ा ज्यादा चार्ज कटने वाला है। यदि आप किसी वीजा कार्ड वगैरह से करते हैं तो आपको ज्यादा चार्ज करने वाला, यदि आप रुपया कार्ड से करते हैं तो कम रुपया कट जाता है, जितना चार्ज है उतना ही कटता है। यदि फोन पे, गूगल पे वगैरह किसी यूपीआई से करते हैं तो जो 1400 रुपए का चार्ज है वही कटता है आपको, यदि किसी और सर्वर से करते हैं तो आपको कुछ ज्यादा चार्ज करता है, जैसे कि 12-15 रुपया, 20 रुपए, 21 रुपए आपको ज्यादा चार्ज करता है, जो कि बैंक चार्ज होता है। यदि आपको उससे भी बचना है, 20 रुपया या 10 रुपया बचाना है, तो आप सीधे यूपीआई से, गूगल पे से कर लीजिए। यदि आपका नेट वगैरह फास्ट है, तो यदि आपका नेट स्लो चल रहा है तो गूगल पे, फोन पे वगैरह को आप ट्राई ना करें, वो आपके लिए रिस्की हो जाएगा, फिर आपका पेमेंट फंस जाएगा, आपका आपको लॉस लग सकता है। यदि पेमेंट होने के बाद आपको सीधे सीधे आपका उसका रिसिप्ट आपको मिल जाता है, क्लिक हियर टू डाउनलोड रिसिप्ट ऐसे करके मिलेगा आपको, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और दो कॉपी निकाल लेंगे, एक कॉपी अपने कॉलेज को दे देंगे और एक कॉपी अपने पास रिसीविंग करवा के रख लेंगे, भैया हमने फॉर्म भर दिया और इसका ये प्रूफ है। तो क्योंकि रिसीविंग के नीचे भी आपको लिखा मिलेगा कि इसका दो कॉपी आप निकालें और एक कॉलेज में आप जमा कर दें, एक अपने पास रख लें। दोस्तों यही कंप्लीट नॉलेज था जो कि आपको इस फॉर्म से संबंधित है, आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है और कहां कहां क्या डालना है, शायद कंप्लीट नॉलेज आपको इस फॉर्म में मिला है। यदि कुछ भी दिक्कतें हुआ है आपको तो फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में स्पेशली आपको कमेंट या फिर किसी और माध्यम से आपको यदि प्रयास करेंगे कि आपको हेल्प करें। यदि ऐसा अच्छा लगा है यह वीडियो तो किसी और को भी शेयर करें, किसी और ग्रुप में भी शेयर कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वह खुद से भी अपना फॉर्म खुद से घर में बैठे कर पाए। किसी कैफे के चक्कर में पड़ेंगे तो 100-200 रुपये तो लोग टाल लेते हैं आपसे, तो आपको खुद से करना है। तो इस वीडियो को आप देखें और लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।